अब की बार केंद्र में सरकार का नारा लेकर इंडी गठबंधन बनाने वाली कांग्रेस को एक बार फिर जोरदार झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले जयंत चौधरी, नीतीश कुमार मुंह मोड़ चुके हैं। बाकी दलों में भी गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है, एक एक कर बिखरता इंडी गठबंधन का कुनबा सियासत के सबसे बड़े संग्राम में कहां खड़ा होगा? इंडी गठबंधन 24 के लिए 28 होने चले थे, 25 होकर रह गए। 25 भी बने रहेंगे या उससे भी नीचे खिसकेंगे, कोई गारंटी नहीं। खिसकेंगे तो कितना खिसकेंगे किसी को मालूम नहीं। बीजेपी विरोधी दलों को एक छत के नीचे लाकर केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। फारूख अब्दुल्ला ने अपने फैसले से सबको हैरान कर दिया है। देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला इंडी गठबंधन के सबसे भरोसेमंद साथी थे, लेकिन उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जो इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चोट है। इंडी गठबंधन को जम्मू और कश्मीर में एक और तगड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सभी 5 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, अरविंद केजरीवाल का कुछ भरोसा नहीं, अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं, ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। न गठबंधन का नेता तय हुआ है, न संयोजक का पता है और न चेहरा सामने आया। ऐसे में इंडी गठबंधन की नाव मझधार में हिचकोले खाती नजर आ रही है। बिहार में नीतीश, यूपी में जयंत चौधरी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव पंजाब में अकेले लड़ेगी, क्योंकि उनके प्रदेश के नेता वहां गठबंधन के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अब की बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रहे इंडी गठबंधन की चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बड़े जोर शोर से गठबंधन का ऐलान किया गया था, लेकिन चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, जोर शोर से रणनीति पर काम होना चाहिए था। यहां जोर शोर से ऐलान इस बात का कि गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके सभी को आज हैरत में डाल दिया है। 24 की जंग बेहाल इंडी गठबंधन, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव वो अकेले लड़ेगी, यानी कि जम्मू कश्मीर में सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी। इससे पहले जेडीयू ने साथ छोड़ दिया था और साथ छोड़कर इंडी गठबंधन का नीतीश कुमार शामिल हो गए हैं एनडीए में। जयंत चौधरी की आरएलडी भी एनडीए में शामिल हो गई है, जो कल तक कह रहे थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं, जो पलट जाऊंगा, लेकिन अब वो पलट चुके हैं। ममता बनर्जी ने भी इससे पहले एकला चलो की चाल पकड़ ली, यानी कि वो भी इस बात का ऐलान कर चुकी है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब को लेकर ये ऐलान कर दिया है कि सभी सीटों पर पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले ही ताल ठोकेगी, यानी कि चुनावी मैदान में अकेले ही लड़ेंगी। तो ऐसे में बेहाल इंडी गठबंधन फिलहाल दिखाई दे रहा है। ये नौबत क्यों आई है, चुनौतियां क्या है, वो भी देख लेते हैं। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन के अंदर बात नहीं बन पाई है। इंडी गठबंधन की अध्यक्षता कौन करेगा, ये तक अभी तक तय नहीं हो पाया है। संयोजक का भी चुनाव नहीं हुआ है। इसके अलावा ना संयोजक है, ना अध्यक्ष, ना सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला है। इसके अलावा मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, ये भी तय नहीं है। तो आखिरकार भविष्य क्या होगा, वर्तमान क्या है, इसको लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं है। और यही वजह है कि इंडी गठबंधन के अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वही बात कांग्रेस